नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एस्टेट का पेपर टू आज से स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। क्या क्या प्रोसेस रहा, किस तरीका से क्वेश्चन पूछा? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुप्रिया सिन्हा। कहाँ से आई है? मैं गया से आई हूँ। कौन सा सब्जेक्ट आपका? मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। क्या प्रोसेस है जब आप लोग एंट्री कर रहे हैं? प्रोसेस है ये कि आपको एक फॉर्म में ही एडमिट कार्ड लेना होगा। हाँ। एक फोटोग्राफ चाहिए और उसके बाद फिर वहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी, वहाँ पे चेकिंग होगा, फिर सेकंड एंट्री होगी एंड देन आप लैब में जा सकते हैं। हम भी लिया जाता है। लेफ्ट हैंड का था। आईडी शो किया जाता है। बस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ याद है? कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल इजी ही है। प्रीवियस जिस तरीका से जो पेपर वन चल रहा था, केवल प्रीवियस आप लोग में भी वही? हाँ, नॉर्मल ही है। मतलब पिछला बार जो है उसको रिपीट किया जाए? नहीं, रिपीट एक दो क्वेश्चन हुआ है, बाकी सब मतलब डिफरेंट है थोड़ा। कंप्यूटर ज्यादा टेंशन नहीं, टेंशन की बात। क्वेश्चन गलत वगैरह कुछ नहीं? क्वेश्चन में हाँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट था, बट बाकी सब सही है। कितना अटेम्प्ट ली? नेगेटिव तो नहीं है? नेगेटिव तो एकदम है ही नहीं। हाँ। इसलिए 150 का 150 बनाया मैंने। शिक्षण कला से कैसा पूछा जा रहा है, कुछ याद हो तो थोड़ा बता दीजिए। शिक्षण कला से हाँ, शिक्षक मतलब टीचर्स को कैसे बढ़ाया जाएगा? हाँ। या क्या करना, कौन सा एक्शन लेना चाहिए? हाँ। बच्चों के लिए ये सब चीज पूछा जा रहा है। कंप्यूटर साइंस का कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन बहुत सारा से ज्यादा पूछा जा रहा है, बस चैप्टर बता दीजिए, टॉपिक बता। साइंस से मतलब कुछ ये फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं? हाँ हाँ। और कोई सेक्शन? और नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बातचीत करेंगे, कैसा गया है, किस तरीका से पूछा जा रहा है। मेरा मकसद होता है ताकि जो विद्यार्थी कल देने वाले हैं या आने वाले समय में देने वाला है, उनसे जानकारी। आपका भी था, कैसा गया? कहाँ से आए हैं? बिहार से, बांका जिला से। कैसा क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? मॉडरेट था, ना हार्ड ना ज्यादा, इजी था। प्रीवियस से पूछा जा रहा है? जी प्रीवियस। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। कितना अटेम्प्ट? 150 में 150 लिए? हाँ, 150 में 150। कोई टॉपिक जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से? ज्यादातर एक मॉडर्न इंग्लिश से पूछा गया था, और कंप्यूटर लैंग्वेज में जो पूछा गया वो प्रोग्रामिंग सेक्टर से था। और शिक्षण कला से कैसे पूछा जा रहा है? शिक्षण कला से अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन? हाँ हाँ, 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन जो याद हो? एक क्वेश्चन जो दीदी को टीचिंग करते हैं तो वो आपको बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, ऐसे थोड़ा साइड में। कैसा रहा? ठीक रहा। हाँ। क्या बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, ऐसा चीज था क्वेश्चन में। मतलब आसान प्रश्न? हाँ, आसान प्रश्न। क्वालिफाई कर जाना? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बातचीत कर, कैसा रहा बंदी? बढ़िया। क्या किस टाइप से पूछा जा रहा है, लेवल क्या रह रहा है, थोड़ा सा बता दे। बढ़िया लेवल था, अच्छा था क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस का यदि कोई सेट प्रैक्टिस किया है तो वो अच्छा कर पाएगा? देखिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा और बुक पढ़ के आया था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था, लेवल सही था, मॉडरेट था। मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, हार्ड भी नहीं कर सकते हैं। अंदर में कोई परेशानी? कोई एयर एसी काम नहीं कर रहा है। एसी काम नहीं कर रहा। कैसा रहा? अच्छा रहा। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा आ जाइए। कोई क्वेश्चन जो याद हो कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस। हाँ, कोई क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आए? हाँ, जेपीजी का फुल फॉर्म था। फुल फॉर्म पूछा था? कितना फुल फॉर्म पूछा था? लगभग 4-5 फुल फॉर्म। और कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह से कोई? हाँ, सबसे मतलब सब टॉपिक को टच किया गया। प्रीवियस कहीं बनाए थे, तैयारी कहीं किए थे कि आकर केवल एग्जाम? अपने से। अच्छा गया है? हाँ। कहाँ से आए? हम गायघाट से। गायघाट से TRE-3 भी दे रहे हैं? नहीं नहीं, TRE-4 दीजिए। कैसा रहा बंधु? कैसा रहा? मॉडरेट टाइप में था सर। क्वेश्चन ठीक था? हाँ, जब मोर डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन मतलब आसान था? क्वेश्चन इजी नहीं कह सकते, पर मॉडरेट था, मिला जुला। इजी भी था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। जो कल देंगे एग्जाम या सेकंड शिफ्ट में, उन लोगों को क्या सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए? कहाँ से प्रीवियस केवल पूछ रहा है क्या? बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन। मॉड्यूलेटर है। हाँ। और राउटर है। हाँ। और एल्गो से 10-12 क्वेश्चन थे। हाँ। आर्किटेक्चर से 6-7 क्वेश्चन थे। हाँ। और जो शिक्षण कला का क्या? शिक्षण कला की तरफ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन? बिल्कुल। कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं? कोई लेवल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। कोई क्वेश्चन जो ध्यान में हो? कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू।
देख सकते हैं कैसा रहा क्वेश्चन, कैसा पूछा जा रहा है, क्या क्या चेक हो रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए जो कल है। मॉडरेट मॉडरेट लेवल, बेल्ट निकाल दिया जा रहा है। हाँ, बेल्ट निकाल और कुछ जूता मोजा भी। हाँ, जूता मोजा भी। एसी ओसी काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, लिटिल बिट काम कर रहा है, पूरा नहीं काम कर रहा है। पूरा नहीं काम कर रहा है। नहीं, कोई कैसा पूछ रहा है? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, अगर कंप्यूटर साइंस से देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बट अगर शैक्षणिक डिपार्टमेंट से देखा जाए तो इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था। 150 में 150 निगेटिव तो है ना? निगेटिव तो है नहीं। कहाँ से आए हैं? मैं पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया से आया। अच्छा गया है, खुश है? हाँ, अच्छा गया है। कोई सेक्शन जो याद हो थोड़ा सा बता दीजिए जो कल है उनके लिए। जैसे उप्स कॉन्सेप्ट से 6-7 क्वेश्चन था, तो उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा सही होगा। थैंक यू। कोई टफ नहीं पूछा जा रहा? नहीं, टफ नहीं था, कुछ कुछ टफ भी था, मतलब मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी बहुत था, और टफ था तो था, कुछ कुछ क्वेश्चन था। जिनका कल परसों है उनको क्या कहिए? पेपर वन भी आपका था? नहीं, पेपर टू। पेपर टू, पेपर टू दिया है। पीजी हो गया है, टीआरई 3 भी दे रहे हैं। अब इसका क्वालिफाई करने के बाद तभी तो बीपीएससी का देंगे। टीआरई 4 देना है। हाँ, टीआरई। अभी तक कोई आप नहीं दिए? नहीं नहीं, अभी पहला ही। ये स्टेट भी आपका पहला है? फर्स्ट ईयर। कहाँ से आए? हम बिहार से ही है। शिक्षण कला कैसे पूछा जा रहा है उसका लेवल? हाँ, शिक्षण कला बेसिक है, मतलब अगर आपका नॉलेज अगर थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए पूछा गया है। मतलब नहीं नहीं, कुछ नहीं, बेसिक है बहुत। डरने की कोई बात नहीं? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। पिछला बार बहुत गलत पूछा जा रहा था, क्वेश्चन ऑप्शन अलग इस तरीके से, इस बार भी कुछ दिखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बार नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज अगर है शिक्षण के बारे में तो आप बिना शिक्षण नॉलेज वाला पढ़े हुए भी जा सकते हैं। पढ़े हुए? कैसे तैयारी की? तैयारी मेरा मतलब खास नहीं, मैं पहले से कोई कर रहा था एग्जाम का, गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी के थ्रू इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली उतना इतना बेसिक क्वेश्चन था। कहाँ से आए हैं? मुंगेर। मुंगेर से। कैसा गया? इधर देखिए। इट वाज गुड। क्वेश्चन का सब लेवल क्या रहा? लेवल ऑफ क्वेश्चन इट वॉज ओके। सो पीपल आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, so they are know the basics, definitely they can crack it, but simply coming just fill up the form and come to the exam, it was tricky, difficult for those people, but it's okay. So you know, preparation. अभ्यर्थी को क्या सुझाव करिएगा, सजेशन क्या दीजिए? मेरे अनुसार यदि देखा जाए, खासतौर से इस कंप्यूटर साइंस में जो भी परीक्षा संपन्न हुई है, यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यदि बेसिक्स नहीं भी क्लियर हैं आपके, मतलब प्रीवियस देख लें। हाँ, प्रीवियस आप देख लीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी बुक में जो कंप्यूटर साइंस का है जो समरी, आप उसको देख के आइए, और यदि आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ा होगा अपने कंप्यूटर साइंस में, बीटेक किया होगा या बी किया होगा या एमसीए किया होगा या बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो आप टैकल कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली और कमिंग इन द पिक्चर, इट्स वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू, समवन इज लाइक नसीम शाह, सो नसीम शाह इज बॉलिंग टू द न्यू गाय, सो डेफिनेटली दैट गाय विल कम इन द प्रेशर, नो? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीका से प्रीवियस ईयर का जो बोलबाला है उस पर विशेष कैसा रहा? इट वाज फिनोमिनल। ठीक रहा? अटेम्प्ट पूरा लिए? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं था। कोई क्वेश्चन जो याद हो थोड़ा सा? क्वेश्चन ये था कि ईमेल वगैरह कौन से उससे भेजा जाता है? यही सर, ईमेल किस सोर्स से भेजा जाता है? नहीं नहीं, उसके बहुत सारे होते हैं ना प्रोटोकॉल्स, तो कौन से प्रोटोकॉल से भेजा जाता है, बस वही था। यही सब पूछा जा रहा है। शिक्षण कला से? शिक्षण कला क्या चीज? शिक्षण कला से जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे, उसे कैसा पूछा गया? उससे भी ठीक था। ठीक था। प्रीवियस से पूछा गया क्या? प्रीवियस से दो चार थे। दो चार था। इसे पहले भी आप दिए हैं? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। कहाँ से हैं? दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं साफ अच्छा रहा है। अटेम्प्ट टोटल लिए? टोटल 150। क्या कहिएगा जो कल देने वाले हैं, परसों उन लोगों को क्या सुझाव? अब जो कल देने वाले उसके लिए यही बोल रहा है, जो पहले किए उसको रिवाइज कीजिए, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 50 मार्क्स का है 800 टीचिंग 30 और अदर स्किल, वो तो बहुत इजी रहता है। करंट भी आ जा रहा है क्या? करंट हाँ, एक दो था करंट। जैसे मैं किस टाइप का करंट? करंट नियुक्ति वगैरह से दिया जाता है? ना, नियुक्ति नहीं था। करंट से याद नहीं आ रहा है। करंट से और कोई शिक्षण कला का कोई क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इजी था, याद नहीं आ रहा। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन?
कंप्यूटर का फुल फॉर्म आया हुआ था HTML का, बाकी सब। कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो कैसे की थी? सेल्फ 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 स्टडी, कोई बुक वगैरह नहीं? कोई बुक नहीं, सेल्फ यूट्यूब से अपना स्टडी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि प्रीवियस से पूछा जा रहा है, यदि आप NCERT पढ़े हैं SCERT पढ़े हैं तो उसके लिए बेहतरीन होगा। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि यदि आपका एग्जाम अभी बचा हुआ है तो आप जरूर प्रीवियस ईयर का प्रश्न को देख लें, NCERT को देख लें, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।